में तो थोड़ा बहुत चीज इतना बना दे देखें तेरा कितना बना दे सर को पहले प्याज हाँ जी पहले तेल लून फिर प्याज हाँ जी फिर उसके बाद आ गया प्याज आ गया प्याज चंगी तरह भुनिया भुन भुन के पानी छटिया कहती गैस बाहर निकल गई प्याज बाहर निकल गई हाँ जी उसके बाद फिर जना वाली जो पकानी है परेजी रखी सौ प्याज बन गई कलेजी कलूजी सब कुछ बन गया हो गया तैयार हाँ जी ठीक है हाँ जी हाँ उस्ताद जी आज क्या चीज लगे बनाने आपने आज हम चिकन बना रहे हैं भाई चिकन इस चिकन को फ्राई करके बनाओगे या सिंपल बनाना है नहीं नहीं सिंपल बनाएंगे ये रहा भाई चिकन लेकिन चक्कर ये है इसको तड़का लगा के बनाएंगे पहले प्याज को पकाएंगे अच्छी तरह से ये रहे भाई टमाटर पहले डालेंगे और ये रहा हल्दी मिर्च नमक धनिया आज किस खुशी में बनाया ये मीट और ये रहा पेठा और ये रहा उस्ताद का चेला हमने लिया था पेठा खाने के लिए लेकिन बे शर्म खा गया अरे कैसे ये रहा भी है ये रहा उस्ताद पागल है ये मारूंगा इसमें कट्टी की ये रहा दूसरा चेला अपने उस्ताद का इसका नाम है पकड़ सिंह जहाँ पे जाता है तो वहाँ फकड़े फकड़ खाता है भाई ये देखो आज एक दिन का नींद है देखो हालत क्या है कंडीशन क्या है जैसे लग रहा है कभी इसने मुंह तक आज तक धोया नहीं जिंदगी में बोलो हम आज किस खुशी में ये मीट बना जा रहा है ये क्या ये उस्ताद जी बताएंगे आज कौन सी खुशी में गोश्त बन रहा है आज बन रहा है हमारी दोनों गाड़ियां कटी हुई ठीक और पहले तो होती नहीं थी कटी कभी हुई नहीं जी आज तो पहली बार हमारी मेरी और छोटे भाई की गाड़ी कटी हुई तो मैंने सोचा चलो आज उस्ताद जी आपका नाम क्या है मेरा नाम है मंजूर अली और छोटे भाई का उसका नाम है एक का नाम आ गया अरशाद जी दूसरा छोटा अरशाद पहले बड़ा फिर छोटा ठीक सर और छोटा अरशाद जो है वो अभी खलासी करता है मतलब कनेक्टरी करता है जी जी सेकेंड ईयर मतलब ठीक जो बड़ा अरशाद है वो तो गाड़ी चलाता है तो उसी से मुलाकात कर रहे हैं हम चलो आज इकट्ठे बैठे खाएंगे ये आप कहाँ से भर के आए खाएंगे जी मतलब ये गाड़ी आप कहाँ से भर के आए हम गाड़ी नासिक से आए क्या बोलते हैं नाम नहीं मिल जाता है यार हमें कभी याद नहीं रहता है क्या बोलते हैं इंदौर से ठीक इस वक्त कौन सी जगह हो उस्ताद जी इस टाइम हम नीलकमल में हैं ठीक सर जो आपके पीछे बैक साइड खड़ा है ये है कौन उस्ताद जी ये अपना ही है अपना चेला है ये भी आपका चेला है केला तो है भाई का ही है लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बनाते हैं खाना वो तो पूरा बनाता है वो जो उधर है अच्छा ये वाला जो है इसको पूरा एक्सपीरियंस है खाना कैसे बनाना है कैसे मतलब ये तो बार बार मुंह छुपा रहा है किस बात में मुंह छुपा रहे उस्ताद जी ये फिर वो जैसे नई नई शादी होती है जी अच्छा अच्छा मतलब जैसे नई दुल्हन लाई होती है बस बस ये इसका वो सिस्टम है क्योंकि अब ये नया आपकी गाड़ी में आया है जी इसलिए शर्मा रहा है ठीक तो बाकी आपका केला जो है ये ऐसे बनाते हैं भाई प्याज को देखो किस तरह से हो गया वाह क्या बात है यार अगर कभी आप सब्जी बनाओगे सब्जी में अगर कभी मेरा बना हुआ प्याज कभी आप निकाल दोगे हाँ ये प्याज है ठीक सर तो मैं सब्जी बनाना छोड़ दूंगा और किसी को बताना भी भूल जाऊंगा ठीक मतलब ये दूसरे चेले को आप ट्रेनिंग दे रहे हो हाँ इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं प्याज को अच्छी तरह से पका लेना जैसे बिल्कुल लाल हो जाए जी उसके बाद इसको पानी डालो जो भी आपने पकाना है डाल सकते हो खा सकते हो अभी आपके लिए मैंने वो डाला है क्या कलेजी ठीक होता